हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके डीएम ने आपको लंबे टाइम से ब्लॉक कर रखा हुआ है तो आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके डीएम। अगर आप ब्लॉक्ड हो तो सिंगल हो तो क्या सोच रहे हैं, मैरिड हो तो क्या सोच रहे हैं, और आपके डीएम जो है आपको कब अनब्लॉक करेंगे अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या हीलिंग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपके डीएम आपको अनब्लॉक करते। और कुछ मैसेजेस भी लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपने अपने डीएम से कुछ भी नहीं सुना है, तो कुछ डीएम की तरफ से दो चार मैसेजेस भी उठा लेंगे जो आपको एक एनकरेजमेंट देगा इस जर्नी पे बने रहने के लिए। तो चलिए गाइस, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो सबसे पहले सिंगल वालों के लिए, अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है सिंगल डीएम, तो क्या सिचुएशन है करंट। तो कुछ कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर और फिर हम टाइम का तभी देखेंगे गाइस जब हम रीडिंग कर रहे होंगे। और अब मैरिड वालों के डीएम के लिए देखेंगे कि अगर डीएम मैरिड है तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो अब क्या सिचुएशन है आपका, क्या चल रहा है। ओके गाइस, तो काफी कम कार्ड्स निकले हैं और एंड में बॉटम ऑफ द डेक आप खुद ही देख लीजिए, रिकनसिलिएशन का समय नजदीक आ रहा है। और समय का मैंने जैसे आपको कहा दूसरे डेक से देखेंगे और बाद में ही देखेंगे, तो पहले सिंगल वालों के लिए देख ही लेते हैं कि आपके डीएम क्या सोच रहा है। आपके डीएम अभी भी जिद्दी बने हुए डर रहे हैं अपने सिचुएशन से, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और वो लॉकडाउन नहीं होना चाहते किसी एक के साथ। वो अभी भी अपने पास को छोड़ के नहीं निकलने के लिए तैयार है। वो स्पिल्ट मिल्क के ऊपर रो रहे हैं कि उनके साथ पास में कितना गलत हुआ है, लेकिन वो अभी भी एक बच्चे ही के जैसे ही है, इमेच्योर। शायद आपके जो मैं बोले वाली थी बच्चे, शायद आपका जो बच्चा डीएम है वो अभी कॉलेज में ही है या मतलब मास्टर्स की डिग्री ले रहा है या पढ़ रहा है या अभी अभी काम पे लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमेच्योर है आपका पर्सन, ठीक है। अगर वो सिंगल है तो उनको अगर कोई पास में लव रिलेशनशिप रही होगी तो उसमें से वो अभी अपने आप को मेंटली फ्री कर पाए हैं, लेकिन मेंटली फ्री तो हो गए हैं लेकिन न्यू कनेक्शन स्टार्ट करके पास्ट को मतलब कम्प्लीटली जाने देने के लिए और मतलब टॉर्चर जो है वो पास्ट में जो उन्होंने फील किया तो उसमें से वो जो है निकल पाएंगे। आप बहुत उनको लविंग केयरिंग और सपोर्टिव लग रहे हो, आप उनको ऐसा लग रहे हो कि आप ऐसा नहीं करोगे उनके साथ जो उनके साथ पास्ट में हुआ है, जो दूसरों ने किया है, जो मिस्ट्रस्ट और बदतमीजी दूसरों ने उनके साथ किया है वो आप नहीं करोगे। आप बहुत लविंग और केयरिंग हो और आप उनका ख्याल रखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है एक बारी कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अभी दिखा रही है क्योंकि इसको मेरे साथ रहना, और बाद में जो है ये लड़की कहीं ना कहीं बदल जाएगी, ये सिर्फ इसका रूप हुआ और मैंने हाँ बोल दिया और मैं फंस फंस गया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके डीएम में दिख रहा है, उनका डर कि ये जो मुझे दिखा रही है ये सच है कि नहीं है। और अब हम देखेंगे कब तक आपके डीएम आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आपके डीएम मेरे को 13 दिख रहा था लेकिन मैं 13 मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन 13-13 मुझे यही दिख रहा है गाइस कि आपके डीएम आपको 13 वीक्स या 13 मंथ्स के बाद ही अनब्लॉक करेंगे। सॉरी गाइस, काफ़ी लंबा समय है लेकिन मुझे 13 मंथ्स नहीं लग रहा है, 13 वीक्स ही लग रहा है क्योंकि ये वॉन्ड्स का कार्ड, मेजर आर्काना का कार्ड है, फायर का कार्ड है, तो इतना समय नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा ये काम। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम आपको छोड़ दिए क्योंकि वो दूसरी बंदियों को चेकआउट कर रहे हैं तो ये बात नहीं है, तो गुस्से में आना छोड़ दीजिए आप। ये बात ये है कि आपके डीएम जो है डर रहे हैं कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो पहले जैसे मेरे हाल ना हो जाए, ठीक है। तो यही बस है उनका मेंटली, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक्ड रखा हुआ है। ये ब्लॉक लिटरल ब्लॉक भी नहीं हो सकता है गाइस, ये ब्लॉक वो ब्लॉक भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई इंटरेक्शन नहीं दे रहे हैं, घोस्ट करके रखा हुआ है, या आप फ़ोन करते हो, आप एफर्ट लगाते हो तो ही बात होती है वरना बिल्कुल बात नहीं होती। तो ये सब जो है वो ब्लॉक ही समझो।
अब क्या कर सकते हो आप इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए और कम्युनिकेशन लाने के लिए। आपके डीएम ना थोड़े से डाइसी इंसान हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको हर जगह से सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। उनको कहीं ना कहीं आपके सिंगल डीएम जो है, आपने अगर उनको थोड़ा सा भी प्यार और एफर्ट्स और ये सब दे ज़्यादा कर दिया ना, तो उनको ऐसा लगता है ये मीठा बन रही है क्योंकि ये मेरे को फंसाना चाहती है। ठीक है, आपके डीएम एंटी सोशल है, कम्प्लीटली एंटी सोशल है, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करते, बात नहीं करना चाहते और अपने पास्ट में अभी भी स्टक दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी भी मेंटली जो है नहीं निकल पाए हैं वो करंट सिचुएशन में, आपको लेकर स्टक है कि कमिटमेंट दे दूंगा और अगर फिर से वो रिपीट हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो यही वाला एक बहुत बड़ा इशू मुझे दिखाई दे रहा है आपके डीएम का, और आप क्या कर सकते हो इसके लिए। आप अपने एंगर इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आइए। आपको बहुत ज़्यादा इंटिमेसी ब्लॉक्स है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपना सेल्फ एस्टीम जो है कॉम्प्रोमाइज करते हो इस पर्सन के साथ, इस बंदे के साथ जो है आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते ही नहीं हो। कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके डीएम जो है आपको दूर ही रखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल एक्सप्रेशन के ट्रॉमास हैं। मतलब आप अपना दुख दर्द एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, जैसे कि बचपन में आप ज़्यादा रोए नहीं होंगे या अब आप ज़्यादा रोते नहीं हो ये, और आप अपने आप को अंदर से खाली नहीं करते हो। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि गाइस इसके लिए आपको मंडला आर्ट करना चाहिए। मंडला आर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इमोशनल रिलीज के लिए। देखिए गाइस हमको आया है कार्ड इसका, तो आप बोल बोल के लिख लिख के रिलीज कीजिए अपने ट्रॉमास को, कैसे भी उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं जिसके वजह से आपको जैसे बहुत ज़्यादा वुमेन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकता है, इरेगुलर फ्लो हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे यहाँ पर औरतों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर हम अगर आपकी डीएम मैरिड है तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि अगर मैं मैसेजेस की बात करूँ सिंगल वालों के लिए, तो मुझे गाइडेड नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं लेना चाहिए अभी फिलहाल, आपको ट्रिगर हो जाएगा। मैरिड वालों के लिए हम देखते हैं कि मैरिड वालों के डीएम जो है कहीं ना कहीं अगर आप उन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो वो आपसे अट्रैक्ट फील कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े कर रहे थे आप उनसे, आप उनको बहुत बुरा भला बोल रहे थे जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उनको मतलब सुना रहे थे या अटैक कर रहे थे, या बहुत ही ज़्यादा आप उनको ताने मार रहे थे, या आपने उनको बहुत ज़्यादा रूडली जाने के लिए कह दिया इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और कहीं ना कहीं आपके डीएम एकदम बच्चे जैसे फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एकदम जो है जहाँ है वहाँ से बाहर निकलने के मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। वो आपके डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं और लोनली है इस समय पर, बट उनको मन की शांति बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको सिखा दिया कि जस्टिस क्या होता है, अगर वो ये सब आपने किया तो ये आपके आपने उनको जो है वो जो डिजर्व करते थे आपने उनको वही दिया है, कुछ अलग से नहीं दिया है। अगर आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया हुआ है या आपने उनको डिफेंसिव किया या आपने उनको भला बुरा सुनाया ब्लॉक कर झगड़े के टाइम पे, तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया तो उनको अभी ये लगता है कि ये सही ही था, आपको सुनाना ही चाहिए था, उन्होंने जो जो किया उसके लिए उनका सुनना ही बनता है, लेकिन अब उनको मन की शांति महसूस हो रही है इस वजह से। और कहीं ना कहीं वो कार्मिक्स को छोड़कर डिवोर्स भी करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं
वो कोर्ट के मैटर्स में फंसे हुए भी हो सकते हैं, उनको सही गलत का एहसास हो रहा है अभी इस समय पर, उनको पता चल रहा है कि क्या उन्होंने सही किया और क्या उन्होंने गलत किया और उन्होंने कैसे बिहेव किया उस इंसान के साथ जो उनसे प्यार करते थे और उनको बहुत ज़्यादा इमोशंस देना चाहते थे, और इसी वजह से वो आज जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है दे डिज़र्व इट। उनको ब्लॉक करने, आपको ब्लॉक करने के बाद अब आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है वहाँ पर। अगर वो कब तक आपको अनब्लॉक करेंगे ये देखने की कोशिश करें तो वो बहुत ही जल्द आपको अनब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि अभी वो सिंगल, अगर उनका हो चुका है जो भी लीगल मैटर है तो अब वो बहुत, क्योंकि वो छुप छुपा के काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं और इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा मेंटल, मतलब जो रेडी है वो और जो सर्कमस्टेंसेस है उनका, तो वो बहुत ज़्यादा रेडी है आपको जस्टिस देने के लिए और आपको आके अप्रोच करके आपसे शादी करने के लिए। और अगर आप किसी और के साथ शादी कर रहे हो या आपको कराई जा रही है तो उनको लग रहा है ये उनके साथ सही ही हुआ, तो यही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके डीएम का। वो बहुत ही जल्दी आपको आके अप्रोच करने वाले हैं क्योंकि वो लीगली फ्री हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जुलाई के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके डीएम आपको अनब्लॉक करेंगे। और भी देखते हैं गाइस चक्रा कार्ड्स आप उनको क्या कहना चाहते हैं आपके डीएम के बारे में। आपके डीएम अकेले अकेले ही रहते हैं और धोखा महसूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा। आपके डीएम जो है कहीं ना उनको फिजिकल स्ट्रेंथ है, उनको हर रोज़ पैनिक अटैक्स आता है, इनसिक्योर फील करते हैं, उनसे कोई प्यार करने वाला है नहीं। ये आपके डीएम की करंट मेंटल स्टेट है। और अगर हम आपके वो क्या करना चाहिए अगर आपको करना है तो कि आपका डीएम का रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा, सीक्रेटिव रहना होगा। इंट्यूशन का इस्तेमाल करने का मतलब है अगर आपको कोई लोग कह रहे हैं कि ये करो वो करो तो आपको नहीं करना है, वो आपका जो अंतरात्मा आपसे कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, आपकी जो फीलिंग गट फीलिंग आपको कह रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। और आपको अपने सारे अफेयर्स को चुप रखना है, एकदम मतलब ओवर ड्रामेटिक नहीं होना, एडिक्शंस में नहीं घुसना है आपको बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ का एडिक्शन या अपने डीएम का ही एडिक्शन नहीं रखना है आपको। जो भी सुनी सुनाई बातों पे आपको विश्वास नहीं करना है, किस कोई भी अगर आपको बोले ऐसा करो वैसा करो नहीं करना है, कंफ्यूज्ड नहीं रहना है आपको, पता रहना चाहिए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अब अगर मैं ब्लॉक्ड हूँ और अगर कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आना है तो पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है। और आपको अपने थर्ड आई पे और बहुत ज़्यादा फोकस करना है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी डालो, सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा एनर्जी डालो, कंफ्यूज्ड मत रहो, ठीक है। अपने हार्ट को, चक्रा को बहुत ज़्यादा इमोशंस और लव दो जो आपको ज़रूरत है, जो आपको चाहिए, जैसा आपको लगता है कि दूसरे आपको ट्रीट करे ना वैसा आपको खुद को ट्रीट करना है इस समय पर, ठीक है। तो जब आप जितना चाहते हो कि लोग आपको इस दिन पे रोज़ दे दे, आपके लिए केक ले आए, आपके लिए चॉकलेट्स ले आए, आपके लिए गिफ्ट ले आए आपका बंदा, हर जो भी आपको चाहिए, आपको मूवी पे ले जाए, तो आपको वो खुद ही आपके लिए कर लेना, आपके लिए एक रिंग ले आए या कोई भी ज्वेलरी गिफ्ट ले आए, तो आपको ये सब खुद के लिए करना ही है। तो ये सब जब आप खुद के लिए करने लग जाओगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम आपको मेंटल ट्रॉमा से निकाले और मतलब आपको बाहर घुमाने ले चले तो, और आपको कॉफ़ी डेट्स पर ले चले तो आपको खुद को कॉफ़ी डेट्स पर लेकर जाना होगा, ठीक है। तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा अपने, जितना आप प्यार अपने डीएम से करते हो ना उतना ही प्यार आपको खुद को दे देना है। मतलब अगर आप अपने डीएम के लिए सब कुछ करते हैं ना तो वो सब कुछ आपको अपने लिए करना है ताकि आपके डीएम वापस आ जाए। आई होप आपको ये बात समझ लग रही है। यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे सेल्फ की
कि अप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मीठी मीठी कभी कभी अपने आप को ही लव लेटर लिख दो, यही सोल्यूशन मुझे फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहा है। आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।